आज मैं आपके साथ कोई कुकिंग वीडियो नहीं शेयर करी, बल्कि अपना जो किचन है उसका एक छोटा सा टूर शेयर करूँगी। तो ये किचन का फ्रंट है, ओपन किचन है ये बेसिकली, और मैंने हॉल में खड़े होकर जो है वो इसका एक व्यू लिया है। तो ये फ्रंट से आप देख सकते हैं, ऊपर जो है वो कैबिनेट्स हैं, और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो कुकिंग रेंज फिट हुआ हुआ है, और इसके इर्द गिर्द भी जो है वो दो कैबिनेट्स हैं। तो ये इसका जो है वो व्यू है फ्रंट से, और इसके बिल्कुल साथ में ये फ्रिज पड़ा हुआ है, इसकी भी जो है वो एक जगह है जिसके अंदर ये फिट हुआ हुआ है, और इसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा जो है वो कैबिन है जिसमें आप अपने ग्रॉसरीज जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और जितना भी आपका सामान हो तो वो मैंने इसमें रखा हुआ है। और इसके बिल्कुल साथ में एक स्टोर है किचन में, जैसे हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये स्टोर है। तो इस तरीके से फ्रंट से इसका जो व्यू है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से है। तो अब हम किचन में जो है वो एंटर होते हैं। किचन का जो एंट्रेंस है वो इस तरीके से है। सबसे पहले जो है वो स्टोर आ जाता है, एक छोटा सा स्टोर जिसमें आप कोई भी अपनी चीज़ घर की जो भी ज़रूरत की नहीं होती वो रखी हुई है। इसके बिल्कुल साथ में फ्रिज फिट हुआ हुआ है, और फ्रिज के ऊपर ये एक कैबिन है जो काफ़ी ऊंची हाइट पे है, लेकिन जितना भी स्टोरेज होता है सामान जो कि यूज़ नहीं करना होता तो वो मैं इसमें रख लेती हूँ। और उसके साथ में ये एक काउंटर है, मैं अपने वीडियोस जो है वो इसी पे शूट करती हूँ, इसी काउंटर पे। ये जो है वो कुकिंग रेंज के साथ भी है तो आसानी से इस पे जो है वो वीडियो शूट हो जाती है। और इसके नीचे जो है वो ये कैबिन है, और इसमें जो नॉर्मल डेली यूज़ के बर्तन होते हैं जो रोज़ यूज़ करने होते हैं वो मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं। बहुत थोड़े से ही हैं क्योंकि हम हैं भी दो लोग, और वो तो छोटी सी है तो उसका तो कोई सामान होता नहीं है, तो दो लोगों के लिए नॉर्मल यूज़ के जो बर्तन हैं वो मैंने इसमें सेट किए हुए हैं। इसके ऊपर भी एक छोटा सा कैबिन है, इसमें चाय का सामान है और नॉर्मल छोटी मोटी यूज़ की चीज़ें वो इसमें रखी हुई हैं मैंने, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। और क्योंकि किचन सिर्फ मैंने यूज़ करना होता है तो ये इस तरीके से ही ऑर्गेनाइज ही रहती हैं। और जो इसके ऊपर कैबिनेट है वो काफ़ी हाइट पे है तो मैं ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करती, और इसमें चीज़ें भी वही रखी हुई हैं जो कि बहुत कम कम यूज़ वाली होती हैं, कभी कभार यूज़ करनी होती हैं, तो वो मसाले पड़े हुए बस। तो इसके साथ में ये कुकिंग रेंज है, ये फिट हुआ है, और दूसरी तरफ अगेन एक कैबिन है, इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। और इसके ऊपर जो है वो ये एक छोटा सा रैक है जिसके ऊपर स्पाइसेस पड़े हुए हैं सारे, और साथ में चम्मच रखे हुए हैं। तो इजी सा हो जाता है कि आपने अगर स्पाइसी चूज़ करने हैं तो बाहर से ही आप निकाल के चूज़ कर लें। और इस कैबिन के अंदर ज़्यादा बिस्किट पड़े हुए हैं और इस किस्म की चीज़ें, या फिर ज़्यादा जो दालें पैकेट्स में होती हैं वो मैंने इसमें स्टोर की हैं, अदरवाइज मैं जार्स में स्टोर करके रख देती हूँ। और इसके जो ऊपर है उसमें भी छोटा मोटा यूज़ का सामान पड़ा हुआ है, कुछ सॉस वगैरह पड़ी हुई है, क्रीम है, जो चीज़ें हम बाहर रख सकते हैं, पॉपकॉर्न्स हैं, तो ये चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। और इस तरह बॉक्सेस में अगर आप ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो आसान हो जाता है उनको ढूंढना भी और यूज़ करना भी। और ये एक ऊपर कैबिन है, ये भी बहुत कम यूज़ होता है, उसमें फूड प्रोसेसर पड़ा था उसका सारा सामान। ये किचन की दूसरी तरफ है जो सामने वाला है, तो इसमें मैंने जो है वो ये ब्लेंडर सेट किया हुआ है, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा यूज़ करना होता है, तकरीबन रोज़ ही यूज़ करना होता है, तो मैंने इसको बाहर सेट किया हुआ है। और बाकी ये पूरा काउंटर खाली है आसानी से, ताकि इसके ऊपर जो है वो हमने जो है वो अगर कुछ काम करना है, रोटी बेलनी वगैरह है, तो वो मैं आसानी से इस पर बेल लेती हूँ। ये जो है वो वॉशिंग मशीन का सामान है, क्योंकि मशीन भी किचन में ही फिट है। साथ में फर्स्ट ये दराज है जिसमें नॉर्मल यूज़ के जो चम्मच हैं वो मैंने रखे हैं, मैं इस तरीके से सेट करके। और ये जो ऑर्गेनाइज़र होता है इसमें अगर आप रखें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। दूसरी दराज में ये भी नॉर्मल यूज़ की चीज़ें हैं, फॉइल है जो कि मैं ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ, किचन सीज़र और बाकी कुछ चम्मच वगैरह वो सेकंड हाउस में रखे हुए हैं। जो थर्ड है
उसमें मैंने सारे जार्स में जो है वो चीज़ें डाल के रखी हुई हैं, जो दालें हैं या फिर मसाले हैं कुछ, तो वो सब मैंने जार्स में रखे हुए हैं। जार्स में जो है वो ज़्यादा आसान होता है यूज़ करना, पैकेट में ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक साइज़ है और इससे भी एक छोटा साइज़ है जिसमें थोड़े बहुत मसाले जो हैं वो मैंने रखे हुए हैं। अगर आपके घर में दो ही लोग हैं तो फिर तो आपके लिए ये साइज़ ठीक है, लेकिन इससे बड़ा साइज़ भी होता है। अगर बड़ी फैमिली है तो इससे बड़े साइज़ के जार्स भी होते हैं। ये सबसे बड़ा कैबिन है जिसमें मैंने यूज़ के जो बर्तन हैं और कुकिंग के जो बर्तन हैं वो रखे हुए हैं। ऊपर ये जो है वो स्टैंड पड़ा हुआ है बर्तन धो के इसमें रखने के लिए। अभी तो फ़िलहाल इसमें सिर्फ फिल्टर ही पड़े हुए हैं, तो इसमें बर्तन जो है वो ड्राई हो जाते हैं और फिर आप इसको जो है वो कैबिन में रख लें। साथ में ये जो है वो सिंक और इसके साथ में ये जो है वो बर्तन धोने वाला सामान है। इस तरीके से मैंने एक प्लेट में रखा हुआ है तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ में ये पानी की बोतल है और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुला खुला किचन। और ये नीचे मशीन फिट है। यहाँ पे असल में जो है वो डिश वॉशर की जगह थी, लेकिन हमने यहाँ पे मशीन फिट करवाई हुई है और साथ में एक छोटा सा रैक है जिसमें आप कोई छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं। तो ये किचन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और किचन जो है वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।